इन दिस सेक्शन आई एल एक्सप्लन द मार्केट वैल्यू रेशोज़ सो मार्केट वैल्यू रेशोज़ हमें बताती हैं रिलेशनशिप बिटवीन जो अकाउंटिंग रिप्रजेंटेशन ऑफ द फर्म है और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म है सो so अभी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो ओवरऑल हमारे um, किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजिशन है उसके मुताबिक उसका जो वैल्यू है वो क्या है लेकिन जब मार्केट में उसके स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं उनको उनकी ख़रीदो फरोख जारी है तो उन स्टॉक्स की जो कीमत है मार्केट में दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दो स्टॉक्स तो जो मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर फाइने उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स की कीमत है और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है इसके अंदर आपस में क्या रिलेशनशिप है इसको निकाल कैलकुलेट करने के वास्ते हम मार्केट वैल्यू रेशोज़ को कैलकुलेट करते हैं नाउ देर आर्दीस्ट टू Frequently calculated market value ratios. The first one is the price to earning ratio and then we have the market price to book ratio. So price to earnings ratio jisko PE ratio bhi kehte hain As the name specifies ki hum iske liye calculate करते हैं या assess करते हैं या इसका data लेते हैं current share price का और उसके बाद हम इसका per share earning यानी के EPS की value को असेस करते हैं और प्राइस टू अर्निंग रेशो बेसिकली इज द प्राइस मल्टीपल और द अर्निंग्स मल्टीपल ऑल्सो एंड इफ वी लुक एट द सिग्निफिकेंस ऑफ पी रेशो इट इज़ यूज बाय द इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट टू डिटर्मिन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ अ कंपनीज शेयर्स जब हम एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करते हैं का मतलब होता है कि अगर हमेशा हम कंपेयर जब करते हैं तो हम हमेशा ये देख इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं कि हम एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ या उसकी फाइनेंशियल पोजिशन के इंडिकेटर्स को कंपेयर करने वाले हैं तो वो एक जैसी फर्म्स होने चाहिए अगर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है और एक छोटी सी फर्म है जिसमें सिर्फ पाँच या दस लोग काम करते हैं उन दोनों को अगर आप कंपेयर करने वाले हैं तो आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स में जैसे पी ई रेशो है या कोई और क्विक रेशो है या लिक्विडिटी रेशो के कोई भी आप टाइप ले लें या लेवरेज रेशोज़ हैं तो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते तो इसलिए इट इज़ इसशल दैट व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर तो कंपेयर अमंग द सिमिलर्स किया जाता है जिसको हम यहाँ मुहावरतान बोल रहे हैं एप्पल्स टू एप्पल कंपेरिजन है तो एप्पल को एप्पल से कंपेयर किया जाता है एप्पल को आप ऑरेंज से या किसी और फ्रूट से या किसी और सब्जी से कंपेयर अगर करेंगे तो वो गलत कम्पेरिज़न कहलाएगा तो जब हम डिफरेंट कंपनीज को एक ही सेक्टर में एक ही उम्र की एक ही साइज की तकरीबन कंपनियों को आपस में कंपेयर करते हैं तो उसमें हम पी रेशो e. को इस्तेमाल कर सकते हैं नाउ व्हेन वी अगेन एक और अहम बात एक और अहम डायमेंशन जो पी रेशो e. के लिए है वो ये है कि आप अगर किसी फर्म की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को Uh, कि उसके स्टॉक्स मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल हैं आप इंटरेस्टेड हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो इनदर टाइप ऑफ पी एनालिसिस विच इज़ यूजुअली डन बाय द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और द फाइनेंशियल एडवाइजर्स इज़ कि वो उसी फर्म के मुख्तफ़ टाइम पीरियड्स का डेटा लेकर मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड के ऊपर उसकी पी ई रेशो क्या थी प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या थी उसको वो असेस करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं टू हैव अ बेटर आइडिया कि इसकी फाइनेंशियल पोजिशन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है वो नीचे की तरफ जा रही है या वो एक सर्टन पॉइंट के ऊपर बैठी हुई है पिछले कई सालों से इफ यू लुक एट द फॉर्मूला फॉर द पी ई रेशो इट इज बेसिकली द द वैल्यू विच इज ऑपटेन बाय डिवाइडिंग मार्केट वैल्यू पर शेयर बाय द अर्निंग्स पर शेयर सो मार्केट वैल्यू पर शेयर को आप अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करते हैं एंड यू विल बी एबल टू कम अप विद दिस पी ई रेशो और पी ई रेशो को के बहुत ज़्यादा फ़वाद हमने अभी डिस्कस किए हैं अक्सर एनालिस्ट जो हैं वो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन ट्रेंड्स को असेस करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए भी पी ई रेशो को आ, इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए उनके पास पी ई टेन एंड पी ई थर्टी मायरस आर द आर द फॉर्मूलाज विच वी यूज़ टू गो फॉर द लॉन्ग टर्म कंपेरिजन ऑफ अ सर्टन लॉन्ग टर्म एनालिसिस और द दैल्यूशन और द ट्रेंड्स ऑफ दिज कंपनीज जिसमें बेसिकली आप करते क्या है पी टेन में क्या करते हैं आप पिछले दस साल का डेटा लेके प्राइस टू अर्निंग का उसकी ट्रेंड्स निकालते हैं और पी थर्टी का मतलब है कि पिछले थर्टी इयर्स में अगर कोई बहुत पुरानी कंपनी है तो उसके पी थर्टी की इंडिकेटर्स को लिया जाता है का मतलब है पिछले तीस साल का डेटा लेते हैं आ, मार्केट वैल्यू पर शेयर का और अर्निंग्स पर शेयर का और उसके हिसाब से पी ई रेशोज निकाल के वी कंपेयर के ओवरऑल इनका जो ट्रेंड है वो किस किस्म का है अपवर्ड है डाउनवर्ड है इसकी जो ओवरऑल बिहेवियर है पी ई रेशो के टर्म्स में वो क्या है नाउ दीज माज हेल्प आस इन असेसिंग और गेजिंग द ओवरऑल वैल्यू ऑफ अ स्टॉक इंडेक्स सच एज द स्टैंडर्ड इन पुअर फाइव हंड्रेड या पाकिस्तान में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पी एस एक्स वन हंड्रेड लेना पड़ेगा बिकॉज दीज आर द लॉन्ग टर्म दैट एन दैट कैन हेल्प आस इन अंडरस्टैंडिंग कि ओवरऑल बिजनेस साइकिल्स कैसे मूव कर रहे हैं उसका ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाउ दीज फैक्टर्स विल मूव विद टाइम और हैव बीन मूविंग ओवर टाइम इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए वी गो फॉर द पी ई रेशो